फरवरी से शुरू हुआ किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। 6 मार्च से जहां किसानों ने एक बार फिर दिल्ली चलो मार्च तेज कर दिया, तो वहीं हाई कोर्ट भी इस मामले पर दो टूक कह चुका है कि भला तलवारें हाथ में लिए कैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा सकता है। कोर्ट ने तस्वीरों को देखकर इस आंदोलन में बच्चों को सबसे आगे मार्च कराने पर आलोचना भी की। किसान आंदोलन पार्ट 2 पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने क्या क्या कहा और किसानों की आगे की तैयारी क्या है, चलिए आपको बताते हैं सब कुछ इस वीडियो में। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने किसान नेताओं को प्रदर्शन करने के तरीके को लेकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, ये बड़े शर्म की बात है कि बच्चों की आड़ में हथियार के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है, बच्चों को आगे कर किसान आंदोलन किया जा रहा है। कोर्ट ने पूछा कि किसान क्या कोई जंग करना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने कहा, ये कैसे माता पिता हैं? ये पंजाब की सभ्यता नहीं है, ऐसे किसान नेताओं को गिरफ्तार कर चेन्नई की जेल में भेजना चाहिए। हाई कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताने वाले उनके वकीलों पर भी टिप्पणी की, कहा कि उन्हें कोर्ट में खड़े होने का अधिकार नहीं है। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल और अन्य की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को हाई कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान हरियाणा सरकार की ओर से किसानों के प्रदर्शन के कई फोटोज दिखाने पर हाई कोर्ट ने पूछा कि हथियारों के साथ शांति में प्रदर्शन कैसे हो रहा है। 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर मारे गए युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में हाई कोर्ट ने न्यायिक जांच का आदेश दिया। पीठ ने कहा, ये जांच हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और पंजाब और हरियाणा के 2 ADGP रैंक के अधिकारी करेंगे। कोर्ट ने आगे कहा, इस मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा की सरकारें अपना काम करने में नाकाम रही। हरियाणा सरकार ने मौके पर ऐसे हालात बना दिए जैसे जंग लड़ी जानी हो। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी और अन्य मांगों को लेकर बीते दिनों दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके थे। हरियाणा सरकार के कड़े प्रबंधों के कारण किसान संगठन पंजाब सीमा से आगे नहीं बढ़ पा रहे और पटियाला के शंभू और संगरूर के खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। किसानों ने 10 मार्च को देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का आह्वान भी किया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।